आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना वड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए साबूदाना। ये मैंने एक कटोरी साबूदाना लिया था जिसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगोकर रखा। जिसे देखिए, इसका साइज जस्ट डबल हो गया है। 4 बड़े उबले हुए आलू जिन्हें मैंने मैश कर लिया है। 2 चम्मच मैंने मूंगफली पाउडर लिया है। ये मैंने कच्ची मूंगफली ली थी जिन्हें मैंने मिक्सी में पीस लिया है। बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये मैंने कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, चाट मसाला, हींग और नमक। आइए वड़ा बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक वड़ा बोल लेंगे। अब हम मैश्ड आलू डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना। अब हम इसमें डालेंगे गाजर। हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च। कड़ी पत्ता को आप इस तरह से थोड़ा सा तोड़ कर डालें। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली पाउडर। हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, अमचूर पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला और हींग। अब हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम हाथों को थोड़ा ग्रीस करेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सर हाथों पर लेंगे और एक शेप देंगे। शेप आप कोई सा भी दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए, इसी तरह से हमें बाकी सभी को भी बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इन्हें तैयार कर लिया है। आइए अब हम इन्हें तल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, आइए इन्हें तल लेते हैं। बीच में हमें इन्हें पलटते रहना है। वड़ा हमारे सिक चुके हैं, आइए अब इन्हें निकाल लेते हैं। साबूदाना वड़ा बनकर तैयार है। हम इस पर रखते हैं तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।